अवशेष विसर्जन के दौरान 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत, मचा कोहराम। गया के इमामगंज थाना क्षेत्र के फुलेलडीह गांव में कर्मा पूजा के अवशेष सामग्री नदी में विसर्जन करने के क्रम में एक 14 वर्षीय बच्चे नीतीश कुमार की डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजन विनय कुमार ने बताया कि शनिवार को कर्मा पर्व किया गया था। विसर्जन के दौरान 14 वर्षीय नीतीश कुमार के डूबने से मौत हो गई। बच्चे की बहनों ने कर्मा पूजा विधि विधान से की थी। किसी प्रकार परिजनों ने इमामगंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को भर्ती भी कराया, वहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। कर्मा पूजा हुआ था तो उसको जो होता है विसर्जन, वो विसर्जन करने के लिए मतलब गए थे लड़की लोग, छोटे छोटे गए थे तो उसके साथ में ये भी लड़का चला गया था, तो नहाने के क्रम में कूदा सो डूब गया और का वहीं पर डूब गया। उसके बाद लगता है कि 10-15 मिनट तक पता ही नहीं चला। नीतीश कुमार की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों की चीख पुकार से माहौल काफी गमगीन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, गया।